है झील यहाँ पे बेटा, मछली दिखाई। अच्छा हाँ, ये मछलियाँ देखो कह तैयारी। मंदिर की हिस्ट्री है वो यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई है। इस तरह से कितने छोटे छोटे अलग अलग तरह के मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पे। यज्ञ कुंड वहाँ से हम सभी लोगों को विभूति लगा रही है। देखो कहाँ ले आया तुषार हम लोगों को, एकदम कोने में। यहाँ से नीचे को बिल्कुल कोई जाएगा ना सीधे छक्का लगेगा। ये है बैजनाथ बैराज यहाँ का, उत्तराखंड का। देखो यहाँ पर एकदम घर का खाना आया है। ये है भटके डुबके, आलू मेथी की सब्जी, झोली यानी की कड़। तो ये सीढ़ीदार खेत है हमारे यहाँ के। ये सारे केले के पेड़ हैं यहाँ पर भी और इधर भी। यहाँ पर केला बहुत लगाते हैं। चारों तरफ बुरास के फूल ही फूल हो रहे हैं इस तरह से। ये जो फूल है नीचे को जो जंगल है पूरे भरे। पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग घर से निकल पड़े पिथौरागढ़ की ट्रिप के लिए। रास्ते में चाय पानी पी और इन सुंदर से जंगलों से होते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे गांव पार किए और काफ़ी सारी नई चीज़ें और नए नज़ारों को देखते हुए फाइनली हम लोग पहुंच गए कौसानी। कौसानी से हिमालय के दर्शन बहुत ही अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि सामने ही आ गया है। फिर एक रेस्टोरेंट पर हम लोग रुके और वहाँ हमने लंच किया, चाय पानी पी और मिले वहाँ की कुछ लोकल लेडीज़ जो कि वहाँ पर चाय पत्ती तोड़ने का काम कर रही थी। और अब शुरू कर से अगला पार्ट। एक पतेल, अब बाहर वाले तो पत्ते ही सोचते हैं, हम गड़े पत्ते जो चाह पतेल। हम पहाड़ी है चकोटिया के। हाँ ये देखो इस तरह से इसको सुखा के फिर चाय पत्ती के लिए यूज होता है। बस खाली सुखाते हो इसको और भी कुछ करते हो? नहीं, फैक्ट्री में देती हूं। फैक्ट्री है यहाँ पे चाय की? अच्छा अच्छा, तो अम्मा लोगों को मैंने देखा, मैंने सोचा कि इनके से मुझे लग रहा था कि इसमें चाय के पत्ते, मैंने देखा था नीचे। अच्छा तुम लोग यहाँ आते हो गए, गाँव का है नीचे? हाँ, गाँव नीचे है। इसके नीचे को? हाँ। अच्छा ये तुम्हारे ही है? हाँ, हाँ। चलो बढ़िया है। थी ना बहुत प्यारी सी महिलाएं। तो इन सभी महिलाओं से बात करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं कौसानी से अपने अगले डेस्टिनेशन बैजनाथ की तरफ को। रास्ते में बहुत सारे गांव दिखाई देते हैं और गेहूं की फसल जो कि काफ़ी सुंदर दिख रही थी। फिर हम पहुंचते हैं बैजनाथ में। यह शहर जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, बल्कि मैं यही बोलूँगी कि जितने भी मैंने अपने ट्रिप के दौरान शहर देखे सबसे बड़ा मुझे यही लगा। और सबसे ख़ास बात है यहाँ पर यहाँ के जो मंदिर हैं, और बल्कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनको जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ पर स्मारक की जो है मान्यता दी गई है। काफ़ी पुराने मंदिर यहाँ पर हैं जिनमें सबसे फेमस है बैजनाथ टेम्पल, जिसको कि मैं आगे अपने व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। ये शहर जो है वो गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, जो कि आपको शायद यहाँ से हल्की सी दिखाई भी दे रही होगी। अभी हम लोग रुके हैं गरुड़ पे। ये जो एरिया है कौसानी के बाद आता है और इतनी बड़ी मार्केट है यहाँ की। 1 किलोमीटर से हम लोग चल रहे हैं और मार्केट ख़त्म नहीं हुई। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ की झील। हाँ मम्मी और ताई जी की तो नज़रें खुली की खुली रह गई। ये है झील यहाँ पे, बड़ी मछली दिखाई। अच्छा हाँ, ये मछलियाँ देखो कह तैयारी ऊपर। और ये झील में बोटिंग वगैरह भी होती है उधर, बल्कि लोग कर भी रहे हैं। देखो यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं। ये यहाँ की हल्की फुल्की मार्केट तो इधर को भी है और बाकी जो मेन मार्केट है वो पीछे की तरफ से हम लोग होकर आ गए हैं। तो यहाँ पर एक मंदिर है बैजनाथ मंदिर, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का। तो हम लोग अभी वहाँ के लिए जा रहे हैं और टू बी ऑनेस्ट में पहली बार इधर को आ रहे हैं और मज़ा आ गया आ जाके। हैं कैसा लगा, अपने अपना ओपिनियन बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छा, पहली बार आ रखे हैं तो बहुत ही अच्छा। ताई जी कैसा लगा? यहाँ वो भी है, झील भी है, बोट भी चल रही है, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े गांव है। दिल्ली में भी नहीं आता कहीं। दिल्ली भी इतना बड़ा नहीं होगा और इतना और इतना सुंदर नहीं है। इतना अच्छा डैम भी है, डैम है। अच्छा नदी का पानी इकट्ठा करके झील बनाया गया है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर से ये नदी का पानी इतना इकट्ठा किया हुआ है एक लेवल तक, और उधर से नदी का पानी जो है जा रहा है। यहाँ कौन सी नदी बहती है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन एरिया देख के मजा आ गया, दिल खुश हो गया। मतलब यहाँ आके इतना साफ सुथरी हवा और इतना बढ़िया एरिया। मछली देख ली हमें सबने, मम्मी को, मम्मी कह रही मछली दिखा सबको। तुम लोग यहाँ कहाँ से जा रहे हो? ये रास्ता है थोड़ा नदी की तरफ को चलते। अरे बाबा, इतने बड़े बड़े पत्थरों में से जा रहे हैं ये लोग। जल्दी आ जाओ मम्मी, फिर भूल जाओगे रास्ता। शॉर्टकट रास्ते से ला रहा है तुषार। देखो अब नजदीक से देखो आप लोग, कितना सुंदर बना हुआ है ये एरिया। वाओ, दिख रही है? आ जा। पर ये पानी में स्मेल है ना?
कहाँ पर है? अरे बाबा, ये तो ऐसी घूम रही है ऊपर ऊपर, नीचे भी नहीं आ रही हैं, ऊपर ऊपर ही घूम रही हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है, छोटी सी बनाई हुई झील टाइप की उन्होंने पानी को स्टोर करके, लेकिन ऐसे एरिया में चारों तरफ देखो खेत हैं, गांव हैं, प्रॉपर पहाड़ी गांव हैं, बड़ी सी एक मार्केट है और उसी के बीच में बैजनाथ मंदिर है, वहाँ पर उसी के बगल में सुंदर सी झील। ये देखो छोटी छोटी मछलियाँ, कितनी सारी हो रही मछलियों के बच्चे हो रहे छोटे छोटे से। हम लोग थोड़ा दूसरे रास्ते से आए थे, वहाँ के रास्ते से जिधर हमने पार्किंग पे गाड़ी खड़ी की थी, तो इसीलिए हम लोग चप्पल इधर को ही खोल रहे हैं। जो मेन एंट्री है वो तो यहाँ से होती है ऊपर मार्केट के जरिए रास्ते से। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, यहाँ का जो बैजनाथ मंदिर है वो ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस परिसर में 18 हिंदू मंदिरों का जो परिसर है पूरा ये बना हुआ है, और जैसा मैंने पहले ही बताया कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है ये मंदिर। जो है मेनली वो शिव पार्वती जी को समर्पित है, और यहाँ शिवरात्रि और मकर संक्रांति के दिन जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ लग जाती है। और कहा जाता है कि यहाँ पर 102 उमा पार्वती की शैल प्रतिमाएँ हैं, जो कि आप सामने देख सकते हो। ये सारी शैल प्रतिमाएँ काफ़ी पुरानी हैं, जिनमें से कुछ तो अभी भी जो है भक्तजनों के लिए खोली हुई जिन्हें कि हम पूछ सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित की गई हैं। और जो यहाँ मिलने वाले जो मेन जो देवी देवताएं हैं उनमें से शिव, पार्वती, नृत्य गणपति, कार्तिकेय, नरसिंह, ब्रह्मा, महिषासुर मर्दिनी, सप्त नर्तिकाएं, सूर्य देवता, गरुड़ और कुबेर है। और ये कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजवंश द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। जो मंदिर की हिस्ट्री है वो यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई है, इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ लेना कि ये कहाँ था, कब बना, किसका मंदिर है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अंदर की मैं वीडियो नहीं ले रही क्योंकि अंदर फोटो खींचना मना है, इसीलिए अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं। और बाहर देखो इस तरह से कितने छोटे छोटे अलग अलग तरह के मंदिर बने हुए हैं जगह जगह पे, और बहुत मान्यता है इस मंदिर की, बहुत लोग आए हुए हैं अभी भी यहाँ पर, कई तो मैंने यूट्यूबर्स भी देखे यहाँ पर आए हुए वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मतलब मम्मी को था कि मेरे को इधर आना है एक बारी, तो इसीलिए हम लोग तुषारने का चलो हो आते हैं, बार बार ऐसे ही रह जाता है। तो बहुत सुंदर, एकदम शांत वातावरण है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि दर्शन के लिए आपको लाइन लगाना है, वीआईपी दर्शन करने हैं, आराम से आप लोग आओ, आराम से दर्शन करो। बहुत सुंदर जगह है, मतलब बहुत पीसफुल जगह है। अगर आप लोग नहीं आए हो उत्तराखंड में इस तरफ को, कौसानी साइड को, बहुत पीसफुल जगह है, जरूर आना चाहिए। क्योंकि मैं भी पहली बार आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। ताई जी यहाँ पर जो ये है, क्या बोलते हैं ताई जी इसको, यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड, वहाँ से हम सभी लोगों को विभूति लगा रही है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पहाड़, अभी मंदिर प्रांगण जो है बंद हो चुका है। हम सही टाइम पर आए ताई जी, बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम पे। ये जो पेड़ है ये बरगद का वृक्ष है, यानी बड़ वृक्ष इसको बोलते हैं। उसके नीचे शनि देवता भगवान जी का मंदिर है। जहाँ जहाँ पर भी फोटोग्राफी अलाउ है वहाँ वहाँ पर मैं फोटो वीडियो खींच दे रही हूँ। लगा दो, मुझे भी लगा दो। रक्षित अपना सेफ्टी जैकेट पहन के जा रहा है, कह रहा है मुझे कराओ बुआ, मुझे कराओ बोटिंग। हाँ, इतनी गर्मी हो रही है अभी, मैं तो शारा और ये जाने वाले बोटिंग करने के लिए, ये बोट पड़े हुए हैं यहाँ पर छोटे से, अभी एक कोई कर भी रहे हैं तीन चार लोग उधर। तो इतनी सी ये झील ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो जिद कर रहा है बच्चा, तो इसीलिए भी हम लोग जा रहे हैं। इन लोगों को दे रखा है ये पैडल मारने के लिए, लड़कों को। मैं बैठी हूँ आराम से, धूप हो रही इतनी तेज, चश्मा टूट गया, आँखें खुल नहीं रही हैं, ऐसे कोशिश कर रही हूँ खोलने की, यहाँ पर हमारी स्वेलिंग भी हो गई पता नहीं क्यों। अरे बाबा, चलो 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 चलो, बीजे बैठने वाले तो बोल रहे थे यार, पैर सीधे करने की जगह भी नहीं है इसमें। देखो कहाँ ले आया तुषार हम लोग को, एकदम कोने में, यहाँ से नीचे को बिल्कुल कोई जाएगा ना सीधे छक्का लगेगा, सीधे नीचे नदी में आके गिरेगा। एकदम कोने में आ गए हम लोग पैडल चलाते चलाते, मम्मी लोग वहाँ कोने में खड़े हैं, पता नहीं कहाँ दिख भी नहीं रहे, उधर कोने में आके। अब हम लोग जा रहे हैं वापस यहाँ से उधर,
ये है बैजनाथ बैराज यहाँ का, उत्तराखंड का। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग निकल पड़े बागेश्वर की तरफ को। बागेश्वर ही यहाँ का जो है जिला है, और यह अपने फेमस टेंपल बागनाथ या बागनाथ, दोनों तरह से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। यह शहर जो है वो सरयू और गोमती नदियों के बीच में स्थित है, और काफ़ी बड़ा शहर यह है। यहाँ का जिला भी बागेश्वर ही है। हम लोग अल्मोड़ा जिले के अंदर आते हैं, और हमारा आज का ये सेकंड जिला है जिसे हम आज क्रॉस करने वाले हैं। और यह जो एरिया है ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, और बीच में नदी के तट पर बसा हुआ है, और यहाँ पर नदी के किनारे जितने भी गांव थे उनको मिलाकर ये नगर तैयार होता है। और अभी यहाँ पर गेहूँ की फसल हो रही, जिसकी वजह से जो नज़ारा है वो और भी सुंदर दिखाई देता है। यहाँ पर पहुँचे हैं अभी इधर बागेश्वर की मार्केट में। मतलब बागेश्वर की मार्केट का ये कोना है, हम एकदम कोने में, क्योंकि वहाँ पर ना पार्किंग की जगह नहीं थी। अब ताई जी की अंदर लेट गई है, तो हमको जाना था। यहाँ पर एक मंदिर है, बागनाथ मंदिर। तो तुषार कह रहा है कि वहाँ से जाने और आने में टाइम लगेगा, ताई जी अकेले रहेगी गाड़ी में। सोच रहे हैं कि एक काम करके स्किप करते हैं, कल को जब आएंगे तो मंदिर होते हुए चले आएंगे जब जाएंगे। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, तभी होटल में चलते हैं, होटल में चलते हैं, या फिर देखते हैं तो खाने वगैरह। फिर लंच टाइम भी हो रहा है, 2:30 बज के, भूख भी लग रही है अभी। अभी डिसाइड करते हैं कि क्या करते हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं मलकोट पे। ये जो एरिया है ये बागेश्वर से ऊपर ऊंचाई में है, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले आके दिखाना चाहूँगी। ये लोग तो जा रहे हैं खाना खाने के लिए, यहाँ पर एक पहाड़ी रेस्टोरेंट है। तो तुषार ने अपने किसी दोस्त से पूछा, तो यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है, पहाड़ी खाना जो प्रॉपर होता है। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नीचे की तरफ को खेत, लोग अपनी पिकनिक मना रहे हैं। पता नहीं यहाँ से दिखाई देगा नहीं देगा, क्योंकि हम लोग तो आगे आ गए हैं, और मुझे लगता है कि बहुत पीछे है। मैं थोड़ा सा आगे आके आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है गाड़ी कुछ ज़्यादा ही आगे आ गई, मैं तो बहुत दूर आ गई हूँ उस रेस्टोरेंट से, लेकिन अभी भी वो मोड़ नहीं आ रहा जहाँ पर से हमने अभी देखा था। बड़ा सुंदर सा एक पिकनिक स्पॉट था, काफ़ी लोग वहाँ पर अपनी पिकनिक मना रहे थे, लंच वगैरह कर रहे थे। बट कोई नहीं, मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। इस वाली पहाड़ी के पीछे वाली पहाड़ी पे वो अभी है, और उसके नीचे को पूरा जो बागेश्वर है वो दिखाई देता है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे गांव आपको दिखाई देंगे जो अलग अलग जगह पर हैं। देखो कुछ उधर हैं, बागेश्वर जो है वो इसके इधर की तरफ को ही है। बट मुझे लग रहा था कि शायद नज़दीकी होगा, तो मैं पैदल जाके पीछे आके दिखा दूँगी, बट काफ़ी दूर है और अकेले आना सही नहीं है, क्योंकि इस तरह जंगलों में, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं है, तेंदुए का डर लगता है। तो इसीलिए अच्छा हुआ कि वापस जाके अपना खाना वाना ही खा लूँ, लंच कर लूँ। अभी बज रहे हैं वैसे दिन के 3 बज रहे हैं, और हमने लंच नहीं किया है, अब जाके लंच करते हैं। देखो यहाँ पर एकदम घर का खाना आया है। ये है भटके डुबके, आलू मेथी की सब्जी, झोली यानी कि कड़ी, चावल, और साथ में यहाँ पर है हमारा वो क्या कहते हैं, अच्छा ये क्या भांगा चटनी। अच्छा मम्मी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ खा रहे हैं अपना, मैं यहाँ खा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के जस्ट पीछे जो व्यू आ रहा है आप मतलब सोच सकते हो। देखो ये पहले टाइम पे खेत हुआ करते थे, लेकिन अब बंजर हो गए क्योंकि लोग करते नहीं ज़्यादा खेती, होता भी नहीं कुछ। देख दो खेतों में बस खाली हल बहाया हुआ है। तो ये सीढ़ीदार खेत है हमारे यहाँ के, और उधर आके आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो आपको दिखाई दे रहे, ये सारे केले के पेड़ हैं यहाँ पर भी और इधर भी। यहाँ पर केला बहुत लगाते हैं, मैं नीचे से देखते हुए आ रही हूँ। मोस्टली सारे गांवों में नीचे से, मतलब जब से मैं बागेश्वर से ऊपर आई हूँ, केला और अंजीर इस ये दोनों पेड़ बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने अपने अपने घरों के वहाँ पर लगाए हुए। हो सकता है कि उसे बेचते वगैरह होंगे मार्केट में, और यहाँ पर रोज़गार भी वही होगा, क्योंकि इधर खेत होते में कुछ अनाज वगैरह तो होता नहीं है। बट जो एरिया है वो काफ़ी सुंदर है, मतलब अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सुबह 8:30 बजे से हम लोग चले हुए हैं, और अभी हम लोग
मतलब कई सारे पहाड़ियाँ क्रॉस करते करते थल पहुँच गए हैं। गढ़वाल यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर है, मुंशारी वगैरह गढ़वाल चालू हो जाता है। अभी हम कुमाऊँ रेंज में हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ के जंगल, इतने घने जंगल, इतना ठंडा मौसम यहाँ पर हो रहा है। जब हम लोग बागेश्वर में थे वहाँ बहुत गर्म हो रहा था। और आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ बुरास के फूल ही फूल हो रहे हैं, इस तरह से ये जो फूल हैं, नीचे को जो जंगल है पूरे भरे हुए हैं, ऊपर को भी आप देखेंगे तो ये फूल हो रहे हैं बुरास के। ये ठंडा इलाका होता है क्योंकि यहाँ पर देवदार के पेड़ हो रहे हैं और सर्दियों में बर्फ़ भी गिरती है इधर की साइड को। तो जो ये बुरास के फूल आप लोगों ने देखे, अभी इन बुरास के फूलों का यूज़ किया जाता है जूस बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा नैनीताल साइड को, या फिर आप जब ऐसे ठंडे एरिया में जाते हो, टूरिस्ट एरिया में, तो वहाँ बुरास के जो जूस है वो बिकता है, तो इन्हीं से वो बनता है। बहुत ही मतलब मज़ा आया आज। और अभी हमको बहुत दूर, अभी और आगे जाना है रक्षिता, इतने में वो दिल्ली पहुँच जाता है ना। हाँ, दिल्ली तो आराम से लेकिन हमने बहुत सारी नई चीज़ें देखी जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या क्या रिकॉर्ड करूँ सब छोड़ दी हैं। कल को अगर वापस जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और दिखाऊंगी। फिलहाल तो आप लोग बुरास के फूल देखिए, कितने सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे से पेड़ हो रहे हैं, उन्हें भी बहुत सुंदर सुंदर से फूल हो रहे हैं। तो ये है यहाँ का एरिया, क्या था इस एरिया का नाम, चौकाई नहीं, विजयपुर, विजयपुर पे हैं अभी हम। कल को जब जाएंगे तो जो क्लास में चौक होती है जिससे, हाँ वो दिखाएंगे, हाँ वो दिखाएंगे। कल आपको बहुत कुछ दिखाएंगे, अभी फिलहाल चलते रहते हैं, अभी बहुत दूर जाना है, थकान लग गई है। अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं।